अवैध रेत उत्खनन की शिकायत पर जिले के तराई अंचल में रेत माफिया के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। अवैध रेत उत्खनन पाए जाने पर 2 FIR दर्ज कराई गई है और उत्खनन मशीनों को भी नष्ट कर दिया गया है। तराई अंचल में रेत उत्खनन की सूचना मिलने पर कलेक्टर मनोज पुष्प एवं पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन द्वारा विशेष संयुक्त दल गठित कर कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे। इस संबंध में खनिज अधिकारी रत्नेश कुमार दीक्षित ने बताया कि पुलिस एवं खनिज विभाग की संयुक्त कार्यवाही में ग्राम भुनगांव एवं झलवा में रेत उत्खनन करने वाली मशीन को जब्त कर नष्ट कर दिया गया है। साथ ही घाट के किनारे रखी लगभग 10 ट्रक बालू को भी पानी में नष्ट किया गया है। मशीन मालिकों के खिलाफ पुलिस थाना जवा में FIR भी दर्ज कराई गई है। खनिज अधिकारी ने बताया कि अवैध रेत उत्खनन के बार बार शिकायत मिलने पर त्योथर से जवा तक जेल मार्ग में स्टीमर से विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया गया। इनमें मुख्य रूप से त्योथर, लवरपुरबा, गंगतीरा, कुठिला, पैरा, कोनिया कला, ददरी, केतुआ, बरहा, चांदिया, कौरी, भूनगांव, झलवा, पथरौड़ा, नगमा, सितलहा, जवा, गाढ़ा ग्रामों के नदी घाटों पर निरीक्षण किया गया। संयुक्त दल द्वारा रेत माफिया के विरुद्ध की गई कार्यवाही में SDOP समरजीत सिंह, संभागीय उड़नदस्ता के बसंत राम, खनि निरीक्षक वीर सिंह, होमगार्ड प्रभारी घनश्याम पांडे, वीरेंद्र तिवारी, अच्युतानंद तिवारी, जिया लाल, इंद्रपाल मांझी एवं पुलिस बल शामिल रहा।